अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद द सेम टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस टॉपिक के पार्ट वन में हमने ऑन बेस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी और ऑन बेसिस ऑफ क्रिएशन पढ़ा था, जो कि क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हमने बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, और ऑन बेसिस ऑफ क्रिएशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप में से किसी ने भी ये पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑन बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के किस किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसमें सबसे पहले है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और सेकेंडली है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म देयर शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लें, उन्हें सिंपली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी कहती है कि वो उसे अपनी कार सेल करेगी, दूसरी उसे 2 लाख रुपीज़ देगी। तो जब एक पार्टी दूसरी को डिलीवरी दे देती है कार की और वो उसी वक्त उसे कैश पर डिलीवर कर देता है, तो इन दोनों ने, दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने जो ऑब्लिगेशंस थे उनके कॉन्ट्रैक्ट के, वो पूरे कर लिए, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडली है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच इज़ ईदर होली एंड कन्फर्म और समथिंग रिमेन्स इन देयर टू बी डन बाय बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। Sometimes a contract may be partially executed and partially executory. Executory contract वो होता है जिसमें एक पार्टी अपना obligation पूरा कर लेती है लेकिन दूसरी पार्टी अभी रहती है। इसकी example इस तरह हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक coaching center लगना है। ठीक है, कोचिंग सेंटर वाले ये कहते हैं कि आप हमें जो मंथली पेमेंट हम आपको पूरे मंथ पढ़ाएंगे उसकी आपने मुझे हमें एक मंथ पहले एडवांस में देने हैं पैसे। ये हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं अपना ऑब्लिगेशन पहले पूरा कर लेती हूँ, किस तरह के फ़र्स्ट डेट को ही, जो मंथ का फ़र्स्ट डेट होती है उन्हें, उसमें उन्हें एडवांस दे देती हूँ पूरे मंथ के लिए, जबकि उसके बदले में वो मुझे पूरे मंथ सर्विसेज देंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा किया, जो मैंने कहा था कि मैं उन्हें फ़ी पे करूँगी और उनका अभी रिमेनिंग है क्योंकि उन्होंने पूरे मंथ मुझे सर्विसेज देनी हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। या इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि एक बंदा मेरे पास आया है, एक मुझसे कुछ ख़रीदने, जैसे मिसाल के तौर पर एक लैपटॉप ख़रीदने आया है मुझसे, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप, मैं आपको एक वीक बाद दे दूंगा, आप मुझे ऐसे ही दे दें। तो मेरी उससे जान पहचान है, मैं उसे दे देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं उसे लैपटॉप दे देती हूँ और वो मुझे कहता है कि मैं एक वीक बाद पैसे दे दूंगा। तो वो मुझे अभी, इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे मैंने अपना ऑब्लिगेशन तो पूरा कर लिया, वो ये था कि उसे लैपटॉप की डिलीवरी करवाऊँ, लेकिन उसका अभी रिमेनिंग है ऑब्लिगेशन कि वो मुझे पेमेंट देगा एक वीक बाद। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, इसी को जो सब डिवाइड या उनकी परफॉर्मेंस पर फोर्थली डिवाइड किया गया है या कैटेगराइज किया गया है ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें यह है कि एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इन अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी हैज़ टू सेटिस्फाई हिज ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इट। द अदर पार्टी हैविंग फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक बंदे ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया लेकिन दूसरा अभी रहता है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें एक पार्टी तो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म उसे करना होता है लेकिन दूसरे का भी रिमेनिंग होता है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें ये होता है कि एक बंदा पेमेंट दे देता है
यही करता है ना, जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं उसमें यही होता है कि जो इंडेमनिटी होल्डर होता है वो पहले से ही पेमेंट दे देता है। इंडेमनीफायर तो फिर फ्यूचर पर होता है, डिपेंड करता है ना कि अगर लॉस हुआ तो फिर वो इंडेमनीफाई करेगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, जिसमें एक पार्टी को तो अपना ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करना होता है लाजमी, लेकिन अदर पार्टी पर वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जिसमें एक पार्टी तो अपना जो ऑब्लिगेशन होती है वो परफॉर्म कर चुकी होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह एक और हो सकती है कि एक बंदे का डॉग गुम हो जाता है, तो वो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लग करवाता है और उसमें रिवॉर्ड लिख देता है कि जिसको भी मिलेगा उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है उसके दरमियान और जिस बंदे को भी कभी भी फ्यूचर में वो डॉग मिला और वो उसके पास आएगा, तो उसके दरमियान ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो बंदा रिवॉर्ड दे रहा है उसने तो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया कि बस जो भी लेकर आएगा मैं उसे पैसे दे दूँगा, वो जो अगर कोई भी उसे फाइन करके लेकर आ जाता है। तो इसमें जब तक वो फाइन करके लेकर नहीं आ जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल ही रहेगा, क्योंकि जो पार्टी उसे रिवॉर्ड दे रही है उसने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। सेकेंडली इन्होंने कहा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने में अभी तक दोनों पार्टीज़ ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया होता। जिसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर पेंडिंग एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज फ्रॉम अ प्रॉमिस ऑन द अदर। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ ने जो कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं उनकी ऑब्लिगेशंस अभी पेंडिंग है, दोनों ने पूरी नहीं की। इसे मिसाल के तौर पे एक बंदा दूसरे बंदे से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी कार सेल करेगा और सामने वाला उसे 2 लाख रुपीस देगा, ठीक है। दोनों के दरमियान जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है ये प्रॉमिस हो जाता है, ये प्रॉमिसेस हो जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस हो जाते हैं, मतलब प्रॉमिसेस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे जब दूसरा बंदा उसे 2 लाख रुपीस दे रहा होता है और मांगता है कि अब आप मुझे कार दे दें, तो वो जो कार देने वाला बंदा होता है वो कहता है कि इस मॉडल की कार इस टाइम पर शोरूम में नहीं है, तो वो 1 वीक बाद आएगी, आप मुझे मैं आपको तब दे दूँगा। तो उसमें जो उसे पैसे दे रहा होता है वो कहता है ठीक है फिर मैं भी आपको 1 वीक बाद ही पैसे दूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस हो गए और दोनों के ऑब्लिगेशंस पेंडिंग में आ गए, समझ आई। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल है जिसमें दोनों ने भी ऑब्लिगेशंस अपने पूरे नहीं किए फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही, मतलब कि जब फॉर्मेशन हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट की दोनों ने प्रॉमिसेस कर लिए, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस की बात आई तो उन दोनों ने कहा, एक ने कहा कि वो उसे नेक्स्ट वीक वो चीज़ डिलीवर कर देगा क्योंकि इस टाइम पर वो इस वक्त नहीं है उसके पास। तो सामने वाला बंदा कहता है कि ठीक है मैं भी आपको तभी पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस हो गए और ये कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल हो गया, ठीक है। तो ये थी कॉन्ट्रैक्ट की बेस जो परफॉर्मेंस पर थी। तो ये सब था जो हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन में 4 तरह से। पहली तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफिकेशन हमने 4 तरह से पढ़ी कि एक तो ये कि इन्फोर्सिबिलिटी पर, कि इन्फोर्सिबल कब कब होगा, कब नहीं होगा, किन वजूहात की वजह से नहीं हो सकेगा। सेकंडली हमने पढ़ी कि क्रिएट किस तरह होगा, उसमें ये था एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा या कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। फिर हमने एग्जीक्यूशन पढ़ी कि एग्जीक्यूट किस तरह होंगे, तो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक एग्जीक्यूटरी होते हैं। फिर परफॉर्मेंस में बायलैटरल होती है या यूनिलैटरल होती है। तो ये सब थी जो क्लासिफिकेशन थी कॉन्ट्रैक्ट की, टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट डीपली। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।